यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पालमपुर में सीएम जयराम ठाकुर के स्वागत के लिए वाहिद अपट, लोअर खेरा, जैंद और छेंछड़ी में स्थापित होंगे प्रवेश द्वार। शिवनगर कॉलेज ग्राउंड में सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। हिमाचल विधानसभा चुनावों में खर्च हुई राशि का एडीआर ने जारी किया आंकड़ा। सीएम जयराम ने खर्च किए 19,68,064 रुपए, तो आनी के विधायक किशोरी लाल ने खर्चे सबसे ज्यादा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने उद्योगपतियों को दिया आश्वासन। हिमाचल में उद्योगों को पंजाब हरियाणा की तर्ज पर 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने पर होगा विचार। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अंग्रेजों के समय बनाए गए पानी के टैंक में दरारें पड़ गई हैं। नगर निगम अब इस टैंक को बचाने के लिए IIT रुड़की के विशेषज्ञों की लेगा मदद। हिमाचल प्रदेश में बंद होगा देवदार से तेल निकालने का अवैध कारोबार। सरकार ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए। हिमाचल में जल्द ही रेसलिंग का रोमांच शुरू होने वाला है। इसमें द ग्रेट खली सहित कई नामी रेसलर दिखाएंगे दम। युवा सेवाएं और खेल विभाग अप्रैल महीने में विश्व स्तरीय रेसलिंग का करने जा रहे हैं आयोजन। सूरज हत्याकांड मामले में सभी पुलिसकर्मियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 5 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। गुड़िया कोटखाई मामले में आरोपी सूरज की हत्या का है मामला। पौंडा साहिब के फर्जी डॉक्टर मामले ने पकड़ा तूल। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की जगह फर्जी डॉक्टर कर रहा था लोगों का इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रशासन ने दिए आदेश। अतिक्रमण को हटाने के लिए दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। 2 दिन तक नहीं हटाया तो चलेगा पीला पंजा। और शिमला में जन्मी प्रीति जिंटा आज मना रही हैं अपना 43वां जन्मदिन। 31 जनवरी 1975 को हुआ था हिमाचल के शिमला में जन्म। बॉलीवुड के बाद IPL में भी छोड़ी अपनी छाप।